हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो वीडियो है वो आप लोग पूरा फुल देखिए, क्योंकि आज जो है वो हम हॉस्पेट सिटी में, जो कर्नाटका की हॉस्पेट सिटी है, वहाँ पे एक टीबी डैम है, तुंगाभद्रा डैम। वो काफ़ी फेमस डैम है यहाँ का, कर्नाटका का। दूर दूर से लोग वहाँ पे आते हैं, टूरिस्ट स्पॉट है। तो अपन इस वीडियो में वही कवर किए हैं। ये वीडियो फुल देखिए, मज़ा आएगा। यू विल एंजॉय द वीडियो डेफिनेटली। सी यू इन द वीडियो गाइज। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निहार दुबे व्लॉग्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम हॉस्पेट सिटी में हैं और अभी अपना टारगेट है यहाँ का जो सबसे बड़ा डैम है वहाँ पे जाने का। तो यहाँ का जो टीबी डैम है वो काफ़ी फेमस है। मैं आप गूगल करोगे तो आपको टीबी डैम के बारे में पता चल जाएगा। अभी अपना टारगेट है टीबी डैम, तो अपन चलेंगे टीबी डैम। रूट तो मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ पूछते पूछते पहुंच जाएंगे हम लोग। तो लेट्स गो। ये देख सकते हैं बेल्लारी से तो काफ़ी डेवलप सिटी है ये। डैम रूट, हाँ स्ट्रेट, हाँ कन्फर्म हो गया ब्रो, प्राइस कन्फर्म हो गया रूट। टीवी डैम जाने के लिए अपन को भैया ये माउंटेन के ऊपर से जाना है क्या, मतलब ये ब्रिज पकड़ के जाना है कि नहीं, मुझे नहीं पता। 3 किलोमीटर डैम डैम इधर जाना है, सर आइडिया नहीं है, बट ठीक है। टीबी डैम स्ट्रेट जाना है 3 किलोमीटर। डैम का एरिया यहाँ पे अंदर जाने के लिए पार्किंग का है, वो जो भी देना है। हॉस्पिट हिंदी, हाँ हिंदी 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 आप जो हाँ
गाइस हॉस्पिटल में देखा वही बोल रहा है। देखते हैं अभी डैम, ये देखो शायद बाइक अंदर नहीं ले जा सकते क्या, क्यों नहीं ले जा सकते जब उधर से ले जा रहे हैं, बाइक अंदर ले जा रहे हैं तो डैम डैम अंदर बाइक ले तो गया है वो। अच्छा वर्कर से यहाँ का स्टाफ किधर पार्क करने है? ओह ये पार्किंग एरिया है, यहाँ पे हम लोग को व्हीकल पार्क करके और पैदल ही जाना पड़ेगा। तो चलो ये हम भी पार्क करेंगे अपनी बाइक। वाह यहाँ पे हिंदी गाना बजा रहे हैं गाइस, आई लाइक इट। हाँ सो अभी अपना बाइक पार्क कर चुके हैं और पार्किंग में लगाने के बाद से अब डैम के अंदर वाले एरिया में जा रहे हैं। सो इधर से जाना है ये देखो, अच्छा इधर से एग्जिट है, इधर से जाना है। किधर से? यहाँ से फर्स्ट टिकट लेना पड़ेगा, तो पहले टिकट ले लेते हैं। हाँ टिकट 1। अगर टिकट लेने के बाद जो जाना है, ये देख सकते हैं डैम का एंट्री टिकट 10 रुपीज़ ओनली, बट ओके गुड। और सर क्या हुआ? ओके हो गया ना। हो गया, अभी यहाँ से डैम के लिए अंदर से जा रहे हैं। यू आर अंडर CCTV सर्विलेंस, ये देखो व्यू। वाह ये मेन गेट है, यहाँ से अपना उधर पार्क में लगाए फिर अब इधर से जा रहे हैं। अभी देखा ना यहाँ पे वो धोती लुंगी पहन के लोग, वो यहाँ का ट्रेडिशन वो है इसलिए इधर लगाते। बाकी अब अपन धीरे धीरे डैम के तरफ चलेंगे। ओहो नो आइडिया, कोई आइडिया नहीं है अभी इधर के लोगों से, ज़्यादा उतना घुला मिला भी हम नहीं हूँ और ना ही ज़्यादा पता है, बट जो भी है ठीक है, अच्छा है। ओ यहाँ पे वाटर पार्क भी है डैम का, क्या डैम वाटर पार्क, सही है। ये देखो डैम का जो रूट है वो यहाँ पे देख सकते हैं, गेस्ट हाउस, डैम पावर हाउस, गार्डन उधर है, उस साइड में गार्डन है अपने को, लेकिन अपना टारगेट है डैम जाना तो अपन इधर से चलेंगे। वाह क्या गाना बजा रहे हैं, आई लाइक इट। ये देखो ये क्या है, जानवर उनवर को यहाँ पे लगाए, बट एक बार यहाँ पे देखेंगे क्या है। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, और क्या लिखा है, मेजर अट्रैक्शन से TV डैम। भाई ये देखो मेजर अट्रैक्शन इन चीज़ों पे है, इधर कन्नड़ा में लिखा है तो ये तो अपन को समझ में नहीं आएगा। ये देखो बाकी अब कंटिन्यू रहेंगे वीडियो में, लेट्स गो। वीडियो में कंटिन्यू रहेंगे, आप देख सकते हैं अभी अपन डैम की तरफ जा रहे हैं धीरे धीरे, अभी पैदल चलना है, काफ़ी लंबा लग रहा है। ओह कितना मुश्किल काम है ना अकेले घूमना ऐसी जगहों पे, ऐसा इधर मेरा कोई फ्रेंड वगैरह भी नहीं है इसीलिए अकेले ही घूमते हैं हम, और कोशिश करते हैं कि हाँ ये मोबाइल साथ में है और इधर ब्लॉग शूट कर रहे हैं तो इसलिए अकेलापन भी महसूस नहीं होता है, ऐसा लगता है कि एक हम ही यूनिक पीस हैं। क्योंकि जो भी देखता है वो यही देखता है कि हाँ
इधर मे भी कोई ब्लॉगर होगा जो ब्लॉग अपने शूट कर रहा है, इसलिए आप लोग को भी दिखाने के लिए ये रिस्क भी उठाया जाता है यूनिक बनने वाला। इसलिए लाइक और सब्सक्राइब नहीं रुकना चाहिए, दबा के लाइक करो, दबा के सब्सक्राइब करो, शेयर करो। पूरा डैम का एरिया घुमाएंगे, ये वादा है मेरा। खैर अभी पैदल चलते रहेंगे। फर्स्ट टाइम मैं भी यहाँ पे आ रहा हूँ, इसलिए ज़्यादा आइडिया नहीं है कि कैसे कैसे रूट जाना है। बट वहाँ से बोल रहा था, नीचे देखो, नीचे भी पूरा रूट गया हुआ है, उधर से भी लोग आ रहे हैं, शायद डैम घूम के आ रहे होंगे। ये देखो, देखो गाइस, अपन को वैसे इधर चलना है, अपन को अभी ऊपर चलना है। ये साला डायनासोर क्यों बनाया है? उधर डायनासोर का भी स्ट्रक्चर बन रहा है, एलिफेंट्स वगैरह तो बना हुआ है, इट्स ओके। देखो अभी तक हाइट पे चढ़ रहे थे, अब यहाँ से नॉर्मल। Again, as you can see, again one vehicle is coming on the road. Tourists are going by foot and vehicles are running so smoothly, so easily. What is this? I am unable to understand the situation. But आप देख सकते हैं अभी हम डैम के पास आ चुके हैं। सो यही है तुंगभद्रा का डैम। ओहो, उधर तुंगभद्रा का वो पार्क है, वो उधर पार्क है, अभी पार्क में भी चलेंगे। और ये डैम का पानी इधर से फ्लो हो रहा है। वाओ, नाइस व्यू, आई लाइक दिस व्यू। वो देखो गाइस डैम। आप सब देख सकते हैं वीडियो में। ये देखो इधर का ऊपर, ये भाई सारे हॉस्पिटल का इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन यहीं से होता है क्या? इतना हैवी हाइड्रिल, बाप रे, देख के ही खौफ लग रहा है। ये देखो डैम। ये इधर भारत, यहाँ भी भारत ही लिखा हुआ है भैया। अब यहाँ तो मोदी जी आके नहीं चेंज किए हैं, क्योंकि इतना जल्दी यहाँ पे चेंज होगा नहीं। ये देखो डैम के ऊपर एक छोटा सा पार्क है, उधर बंदर बैठा है वहाँ पे। बंदर बहुत रिस्की है, अपन उसके पास भी नहीं जाएंगे, लेकिन यहाँ बंदर हैं सब, पेड़ पे हर जगह नॉर्मली दिख रहे हैं सब। चलो गाइस डैम दिखाते हैं आपको, डैम का एक क्लोज व्यू लेंगे एकदम।
बाप्पा यू कैन हियर द साउंड वेव्स पूरा एरिया एकदम से वेव्स के साउंड एकदम क्लोज सुनाई दे रही है। वाव नाइस पार्क। डैम से ज्यादा अच्छा तो यहाँ का ग्रीन पार्क दिख रहा है मुझे बट ठीक है अच्छा है। ये देखो वाटर वेव्स एकदम क्लोज से सुनाई दे रहा है आवाज जो वेव्स आ रही हैं। काफी बड़ा डैम है। ओ देखो दूर एकदम यार कोई क्लोज व्यू है ही नहीं। आई मीन नीचे जाके पास से जाने का कोई सोर्स नहीं है। ये देखो यहाँ पे मंकीज एकदम नॉर्मली बैठे हुए हैं। आप यहाँ पे कुछ भी इनको खिलाओगे खाएंगे मस्त बंदर। लेकिन बंदरों के साथ अपन बकचोदी नहीं करेंगे। पता चला फोन ऑन लेकर साला भाग गया तो फिर कैसे डैम है बगल में गिरा दौड़ा देगा। ये देखो भाग रहा है। ये देखो यहाँ पे डैम का वेव्स एकदम क्लियर सुनाई देगा। ये वॉइस सुन पा रहे होंगे एकदम वेव एकदम क्लियरली आ रहा है। अभी अपन डैम के एरिया में ही है और वीडियो में आप देख सकते हैं मेरे पीछे डैम है। यही है यहाँ का टीबी डैम हॉस्पेट का फेमस डैम। इनफैक्ट इफ़ यू कैन गूगल इफ़ यू आर गोइंग टू गूगल इट तो आपको ये कर्नाटका का डैम बताएगा कि ये टीबी डैम ऑफ कर्नाटका। सो यही है भैया। देखो मंकी शो जैसे अपने मुंबई में बैठे रहते ना बंदर साले समुद्र के किनारे वही हाल यहाँ का भी है। ये देखो हैवी बंदर है ये भाई साहब कौ बैठ जाता है बंदरों से। हमारी पुरानी दुश्मनी है। बचपन में मेरे को ना एक बंदर एक थप्पड़ मारा था। कई दिन तक बुखार था मुझे तभी से अपन दूर ही दूर रहते बंदरों से। गाइस ये देखो टीबी डैम। ये देखो साउंड वेव्स आपको एकदम क्लियरली सुनाई देगा। एकदम थपा थपे से वेव्स लड़ रही हैं इधर आके तो सुनाई दे रहा है वॉइस। देख सकते हैं वाटर वेव्स आके इस पे कैसे वाटर वेव्स आके लड़ रही हैं सरफेस पे। इधर पीजन बहुत सारे बैठे हुए हैं। क्रो भी है कौआ कबूतर भाई साहब। ये देखो डैम का जो वॉल है वो है डैम का वॉल। इतना बड़ा वॉल तैयार किया गया है इसी से सारा पानी रुका है और नीचे से वाटर सप्लाई होता है। यही है यहाँ का डैम टीबी डैम। आज का टारगेट अपना यही था। बाकी अपन टीबी डैम के पार्क वगैरह में भी चलेंगे क्योंकि वहाँ का पार्क भी बहुत प्यारा है। ये देखिए गाइस कितना सुंदर है। ये देखो गाइस अभी उधर मैंने देखा आप लोग को दिखाया कि डैम के उस साइड में पानी कैसे कितना हाइट पर रुका हुआ था और यहाँ देखो एकदम लोअर धीरे 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 वाटर का फ्लो हो रहा है यहाँ से और जहाँ तक ये वाटर सप्लाई होती है मतलब पूरे हॉस्पिटल में बल्लारी तक यहाँ से पानी जाता है। वो दूर आप माउंटेन देख सकते हैं गाइस। बहुत प्यारी जगह है हॉस्पिटल। आई लाइक इट यार बल्लारी से काफ़ी सुंदर है ये एरिया। सच में बहुत पसंद आया।
अभी यहाँ से ऊपर जाने का भी है, पता नहीं क्या है ऊपर, लेकिन क्या है भाई। इधर क्या है, इधर भी जाएंगे क्या? इधर कोई दिख नहीं रहा है जाते हुए यार। नो अच्छा इधर से, इधर देखो गेस्ट हाउस है, इधर का नाम मिट चुका है बट श्योर है इधर। नो नो पेडेस्ट्रियन एक्सेस, मतलब लगता है कोई भी घूमने वाला इधर नहीं जा सकता। ओहो प्राइवेट ले रखा है क्या साला, जो भी है अच्छा है, कोई नहीं। अब अपन चलेंगे टीबी डैम पार्क के साइड में, फिर पार्क का व्यू दिखाएंगे आपको। और यार यहाँ का एक बहुत मतलब पुराना जगह है हम्पी, और बहुत ही फेमस है इधर का सबसे अच्छा टूरिस्ट प्लेस हम्पी है। आप लोग गूगल करना और बताना, अगर पसंद आएगा तो हम्पी भी ज़रूर चलेंगे अपन। ये देख सकते हैं यहाँ पे कितना सुंदर, कितना प्यारा व्यू आ रहा है डैम का, और उधर पार्क वगैरह है, हाइड्रिल वगैरह है। तो ये रहा आज का अपना टीबी डैम, आपने देखा टीबी डैम दिखाया। यार पास में जाने का एक्सेस नहीं है, मतलब पास जाके वीडियो वगैरह नहीं बनाने देते, क्योंकि आप जानते ही हैं हम लोग के इधर इंडिया साइड में क्या चलता है, पता नहीं कब किसके मूड में क्या आ जाए, कौन जाके छलांग लगा दे। इस वजह से वहाँ पे जाना, वो जो मेन एक्सेस था वहाँ पे, जो मेन पॉइंट ऑफ व्यू था वहाँ पे जाना इसीलिए अलाउ नहीं है। आए दिन न्यूज़ में आप देख सकते हैं ऐसा आता रहता है अक्सर। अभी एक फोटोग्राफर मेरे से टकरा गया। फोटो लेने में इतना बिजी था कि उसको मैं दिखाई नहीं, कोई बात नहीं, इट्स ओके। तो आप कहीं भी घूमने वगैरह जाते हो ये सब तो नॉर्मल सी बातें हैं, लेकिन मेरी किस्मत ही खराब है, टकराया भी तो लौंडा टकराया यार। नो गलत मीन, कोई गलत मीन नहीं निकालेगा। ये देखो अभी बैक कैमरा ऑन कर रहे हैं, यहाँ से इधर पार्क का एरिया दिखाते हुए ले चलेंगे। ये देखो गाइस कितना प्यारा व्यू आ रहा है। अभी हम ओप्पो के फ़ोन से शूट कर रहे हैं, मेरे पास आईफोन नहीं है इसलिए शायद वो क्लैरिटी ना आ पा रही हो, बट नेक डाइट से जैसा कि मैं देख रहा हूँ एकदम दिल खुश हो जा रहा है, एकदम से मन खुश हो गया है देख के। इतना ग्रीनरी, इतना सुंदर जगह। ये देखो डैम का फ़ोटोज़ ज़रा यहाँ से ले लेते हैं, और इस पॉइंट का भी ज़रूर लेंगे, और अब वीडियो में कंटिन्यू रखेंगे। हाँ लेट्स कंटिन्यू टू द वीडियो। वाओ बजरंग दल, आई लाइक इट। जस्ट टेक अ लुक हियर, वाओ जस्ट लुक एट द कन्वर्सेशन बिटवीन किड्स एंड देयर मम, हाउ एनीवन कैन फॉल। भाई गलती से तो कोई फॉल होगा नहीं, विलिंगली अगर हो तो कोई कुछ नहीं कह सकते, क्या ही बोल सकते हैं। अगर कोई एकदम उसे इंटेंस से ही जाए तो फिर कुछ नहीं कहा जा सकता। ये देखो क्या है भैया, टूरिस्ट स्पॉट। अबे इतनी सारी जगह है क्या यहाँ पे? मिनी जू एंड डियर पार्क, 9 वर्चुअल रियलिटी शो, किड्स बोटिंग, भाई ये सारी जगह है क्या? चलो एक एक करके ज़रूर देखेंगे, आज पूरा इस ब्लॉग में आज कवर करेंगे, क्योंकि बहुत टाइम निकाल के आए हैं यहाँ पे, सो एक भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू छूटना नहीं चाहिए, सारा व्यूज़ रिकॉर्ड करेंगे, एक भी नहीं छोड़ेंगे साला। ये देख सकते हैं इधर ऊपर हाइट पे, सब देख रहे हो सब पहाड़ों को ही काट काट कर बनाया हुआ है। अगेन साउंड आना चालू हो गया, म्यूज़िक सुनाई दे रहा है, मतलब वाटर पार्क पास में ये लग रहा है, या फिर वो जो बच्चों का पता नहीं क्या क्या वो दिखाया ना अभी बोर्ड में कि ये जगह है यहाँ पे घूमने लायक। अब वहाँ चलेंगे और वहाँ से वीडियो कंटिन्यू करेंगे, तो अभी के लिए बाय बाय। ओह
लगता है वाटर पार्क के पास या फिर वो जो भी किड्स पार्क है उसके पास आ चुके हैं, क्योंकि आप म्यूजिक सुन सकते हैं। अगर सुनाई दे रहा हो तो फिर देखो ये गाना बताओ कौन सा है। हो गया, अभी अपने पास ज़्यादा टाइम नहीं है, 2 बज गया है। अपन को उधर वापस यहाँ से बल्लारी भी जाना है, इसलिए अभी ज़्यादा टाइम यहाँ पे नहीं वेस्ट करेंगे, क्योंकि अभी 3 o'clock से अप्रॉक्स होने को आ गया है और अपने को बल्लारी भी जाना है। अपना टारगेट था कि आज टीबी डैम जाना है, और जो कि अपना टास्क पूरा हो चुका है। सो अभी अपना जो नेक्स्ट टारगेट है वो रहेगा, कौन सा टारगेट रहेगा भैया? हम्पी रहेगा, हम्पी वो भी काफ़ी फेमस है यहाँ का। सो नेक्स्ट वीडियो में वो उसको कवर करेंगे। इस वीडियो में अपना टीबी डैम कवर हो गया। सो इस ब्लॉग को यहीं पे फिनिश करेंगे। सो बाय बाय, सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो।